नींद तो सबको प्यारी होती है, लेकिन नींद से रिलेटेड जो मिथ्स हैं आज हम उसको एड्रेस करेंगे। एक मिथ ये है कि हमें कम से कम 8 घंटे की स्लीप रिक्वायर्ड होती है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं हम उनमें कहते हैं कि 6 घंटे से 8 घंटे की स्लीप जो है वो एडिक्वेट होती है, लेकिन इसमें ह्यूज डिफरेंसेस हैं और एक फार्मूला सबके लिए ठीक नहीं है। सो हमें इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कि किस शख्स को, और स्पेशली अगर वो इल है, कितनी नींद की रिक्वायरमेंट है। सो हर एक को 8 घंटे की स्लीप नहीं चाहिए होती। एक स्लीप मिथ ये भी है कि अगर हम पूरा हफ्ता भर सो नहीं सके तो हम इकट्ठे जो है वो हफ्ते की नींद पूरी कर लेंगे। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता कि यू कैन कैच अप ऑल योर स्लीप इन वन डे और सो। आप फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि आप हफ्ता भर ना सोएं और इकट्ठा सो जाएं तो आप फ्रेश फील करेंगे। दैट्स नॉट ट्रू। एक स्लीप को ब्यूटी स्लीप से भी एसोसिएट किया जाता है। वो कहते हैं कि ज़्यादा सोते हैं तो आप मोर अट्रैक्टिव और मोर ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। ये कुछ कुछ सही भी है, इसलिए क्योंकि अगर आप अंडरस्लेप्ट होते हैं, ओवर टायर्ड होते हैं, तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको पफ़ी फीलिंग देते हैं और आपको सूजन महसूस होती है। अगर आप अपनी स्लीप के साइकिल को रेगुलर रखते हैं और एडिक्वेट स्लीप लेते हैं तो यू एक्चुअली बिकम फ्रेश एंड मोर अट्रैक्टिव। एक लोगों में ये भी बहुत तासुर है कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आप स्लीपिंग टैबलेट्स ले लें, और ख़ुद ही से लोग जाकर बाजार से स्लीपिंग टैबलेट्स ले लेते हैं। असल में ये सेडेटिव्स होती हैं और ये जो हमारी बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल है उसको मिमिक नहीं करती, और ये नींद का नेमुल बदल जो आपको नॉर्मल तरीके से आती है बिल्कुल नहीं है। नींद के हवाले से एक और चीज़ इसका बहुत जिक्र हो रहा है और मीडिया में भी बहुत हाइप है, वो मेलाटोनिन है, कि ये एक स्लीप हार्मोन है। ये एक्चुअली स्लीप हार्मोन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल मार्कर है विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन डार्क, और ये रात के वक्त प्रोड्यूस होता है और ये माइल्ड स्लीप इंड्यूसर ज़रूर है।